हेलो गाइस, वेलकम टू इनर अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। आज 21 मई के दिन भारत में नेशनल एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, यानी कि राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। साल 1991 में 21 मई के दिन ही LTTE मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की एक सुसाइड अटैक में हत्या कर दी थी, यानी आज राजीव गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी भी है। असैसिनेशन के समय राजीव गांधी जी इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए तमिलनाडु के मद्रास में गए थे। वैसे जिनको नहीं पता उनको याद दिला दूं कि राजीव गांधी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पिता थे और सोनिया गांधी के पति। बढ़ते आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत और ईरान को लेकर। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रेजी के टेन्योर में न सिर्फ भारत और ईरान ने आपस में चाबहार पोर्ट को लेकर 10 साल की एक बहुत ही बड़ी डील साइन की, बल्कि दोनों देशों के रिश्ते कई मायनों में मजबूत हुए। इसलिए पिछले कल भारत की सरकार ने इब्राहिम रेजी के सम्मान में 21 मई यानी आज पूरे दिन भारत में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। भारत की होम मिनिस्ट्री ने इस चीज की जानकारी दी है। राजकीय शोक का मतलब है कि आज भारत की सभी सरकारी बिल्डिंग्स के ऊपर भारत का झंडा आधा झुका रहेगा और भारत की सरकार आज के दिन कोई भी सरकारी मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं करेगी। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ना सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान, टर्की, इराक, सीरिया और लबनान ने भी अपने देश में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इनमें केवल एक ही नॉन मुस्लिम कंट्री है और वह भारत, जबकि देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन में टोटल 57 मुस्लिम देश आते हैं। उन बाकी मुस्लिम देशों ने अभी तक राजकीय शोक अनाउंस नहीं किया है। मे बी ईरान एक शिया देश है, शायद तभी। भारत के एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा के बाद ईरान की भारत में एम्बेसी ने भारत को इसके लिए धन्यवाद बोला है। आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत और साउथ चाइना सी को लेकर। पिछले कुछ साल से चाइना अपने नेवल शिप्स और रिसर्च वेसल्स को लगातार भारत के पड़ोसी देशों में भेज रहा था, कभी पाकिस्तान, कभी श्रीलंका, तो अब मालदीव्स में भी चाइना ने अपने शिप्स को भेजना स्टार्ट कर दिया था। इसलिए अब भारत ने टिट फॉर टैट मूव का फैसला किया था और इंडियन नेवी को भी साउथ चाइना सी में डिप्लॉयमेंट के लिए भेजने का फैसला किया था। NDTV इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी की ईस्टर्न कमांड ने अपने 3 नेवी के शिप्स को साउथ चाइना सी में ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के लिए भेजा था, जिसके बाद INS दिल्ली, INS शक्ति और INS किल्तान नाम की तीनों नेवल वॉरशिप पिछले कल फिलीपींस पहुंच गए हैं। फिलीपींस नेवी ने वहां पर भारत के इन तीनों नेवल शिप्स का जोरदार वेलकम किया और अब दोनों देशों की नेवी कुछ प्रोग्राम्स में हिस्सा लेने के साथ साथ साउथ चाइना सी में मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइजेस करेंगी। नेवल एक्सरसाइज के साथ साथ भारत और फिलीपींस की नेवी के शिप्स आपस में साथ में मिलकर पेट्रोलिंग भी करेंगे। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रिसेंटली फिलीपींस और चाइना की नेवी की आपस में टक्कर हुई थी, जिसमें चाइनीज नेवी के वॉरशिप्स ने फिलीपींस नेवी के वॉरशिप के ऊपर वाटर कैनन से हमला किया था। ऐसे में भारत का इंडियन नेवी के 3 वॉरशिप्स को फिलीपींस भेजना, साउथ चाइना सी में नेवल एक्सरसाइज और पेट्रोलिंग करना, ये साफ दर्शाता है कि भारत सरकार अब चाइना को साउथ चाइना सी में जाकर भी टक्कर देने से पीछे नहीं हट रही है। फिलीपींस के साथ नेवल एंगेजमेंट को और भी बढ़ाया जाएगा क्योंकि भारत की सरकार कोशिश कर रही है कि ब्रह्मोस के बाद फिलीपींस भारत से और भी हथियार परचेज करे और हमसे नेवल वॉरशिप्स भी परचेज करे। आज की थर्ड अपडेट आ रही है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर को लेकर। दरअसल पिछले कल जयशंकर सर की एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा कि आगे आने वाले कुछ साल बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं और भारत को उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा। जयशंकर सर ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध होगा इसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी और जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ था तब लगा था कि ये युद्ध कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएगा, नहीं तो कुछ महीने ही सही। लेकिन इस युद्ध को शुरू हुए अब 3 साल से ज्यादा का समय हो गया है और अभी भी इसके खत्म होने की कोई आशंका नहीं है। किसी ने नहीं सोचा था कि अक्टूबर 7 वाला इसराइल के ऊपर इतना खतरनाक हमला होगा, इस लेवल का डैमेज और कैजुअलिटीज होंगी। इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि इसराइल जब जवाबी कार्रवाई करेगा तो इतने लंबे समय तक चलेगी। ऑलरेडी 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। जयशंकर सर ने आगे कहा कि एक बार एक कॉन्फ्लिक्ट या वॉर अगर स्टार्ट हो जाता है, एक बार अगर स्विच ऑन हो जाता है तो उसको ऑफ करना काफी मुश्किल हो गया है। एक बार प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई फिर ये अपने आप आगे बढ़ती रहती है। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर यहाँ पर ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि आजकल की दुनिया में जो वॉर्स लड़े जा रहे हैं वो एक तरह से एंडलेस वॉर्स हैं, कई महीनों तक या फिर कई सालों तक भी चल सकते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। एंड अगर भारत भी आने वाले सालों में किसी वॉर में पड़ता है तो फिर हमारे साथ भी सेम चीज होगी, हमें भी एक लंबे वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। उदाहरण के लिए जो भारत ने पाकिस्तान के साथ कारगिल का युद्ध लड़ा था वो केवल 2 महीने 3 हफ्ते में ही खत्म हो गया था और साल 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध जिसमें हमने बांग्लादेश को आजाद करवाया था वो तो 2 हफ्ते के अंदर ही खत्म हो गया था। पाकिस्तान आर्मी के 93,000 सैनिकों ने 2 हफ्ते के अंदर ही भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर के वॉर्स इतने जल्दी खत्म नहीं होंगे। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है ईरान से। इब्राहिम रेजी के हेलीकॉप्टर क्रैश के 24 घंटों के अंदर ही ईरान ने दोबारा से नए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की घोषणा कर दी है।
कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन फाइल करने की फाइनल डेट रखी गई है 28 मई तक। उससे पहले ही ईरान के सभी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को अपना नामांकन भरना होगा। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की वोटिंग की डेट रखी गई है उसे ठीक एक महीने के बाद 28 जून को, यानी 28 जून को ईरान के लोग फिर से वोट डालेंगे और एक दो दिन के बाद में वोटिंग के रिजल्ट भी आ जाएंगे। और आज से ठीक 40 दिनों के बाद ईरान को अपना एक नया प्रेसिडेंट मिल जाएगा। ईरान में भी अमेरिका की तरह प्रेसिडेंट का कार्यकाल 4 साल का होता है। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है रशिया और ईरान को लेकर। दरअसल रशिया ने पिछले कल ईरान को ऑफर किया है कि अगर ईरान चाहे तो रशिया उनकी मदद करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तेहरान भेज देगा, जो कि हेलीकॉप्टर क्रैश की वहां पर इन्वेस्टिगेशन में ईरान की मदद करेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे असल कारण क्या था। क्या ये क्रैश प्योरली खराब मौसम के कारण हुआ, क्या हेलीकॉप्टर्स में कोई टेक्निकल या मैकेनिकल फॉल्ट आ गया था, या फिर इसके ऊपर कोई भारी हमला हुआ था, ये सारी चीजें पता लगाने में रशिया ईरान की मदद करेगा। हर एक हेलीकॉप्टर में एक डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है जिसको ब्लैक बॉक्स भी कहा जाता है। अब क्योंकि अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं, ऐसे में बेल हेलीकॉप्टर्स जिस कंपनी का ये हेलीकॉप्टर था वो तो ब्लैक बॉक्स का डेटा रिट्रीव करने में ईरान की मदद करेगी नहीं। हो सकता है कि ईरान इस डेटा को रिट्रीव करने में रशिया की मदद ले ले। आज की सिक्स्थ अपडेट आ रही है भारत के जम्मू कश्मीर से। दरअसल जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने कश्मीर में हमलों की इन्वेस्टिगेशन के लिए विदेशों से एक्सपर्ट बुलाने की धमकी दी है। फारूक अब्दुल्ला ने पिछले कल एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा कि रिसेंटली जो कश्मीर में बीजेपी के एक्स सरपंच और जयपुर के कबल के ऊपर आतंकी हमला हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट इन दोनों हमलों की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के आदेश थे, वरना उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस इन दोनों हमलों की प्रॉपर जांच के लिए विदेशों से एक इंटरनेशनल कमेटी को कश्मीर में इनवाइट करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठे ये सारे लोग ये दावा करते थे कि आतंकवाद के लिए आर्टिकल 370 कसूरवार है। आर्टिकल 370 को तोड़े हुए इतने साल हो गए हैं, लेकिन आज भी कश्मीर में आतंकवाद खत्म ही नहीं हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान से अपील की है कि पाकिस्तान भी कश्मीर में आतंकी हमले करना रोक दे, उसके बाद ही टेबल के ऊपर बैठकर बातचीत स्टार्ट होगी और ये सारे मसले सॉल्व होंगे। आज की सेवंथ अपडेट आ रही है भारत और रशिया के ज्वाइंट वेंचर को लेकर। दरअसल साल 2021 में भारत और रशिया के बीच एक डील साइन हुई थी जिसके तहत रशिया की AK-203 असॉल्ट राइफल्स की प्रोडक्शन भारत के यूपी में स्टार्ट होनी थी। 5,000 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था जिसके तहत इंडियन आर्मी को 6,10,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स मिलनी थी, लेकिन तब से पेमेंट इश्यूज के कारण AK-203 असॉल्ट राइफल्स की भारत में प्रोडक्शन डिले हो रही थी। इन राइफल्स का काफी सारा रॉ मटेरियल रशिया से भारत आना था, इसलिए भी प्रॉब्लम्स आ रही थी क्योंकि वहां पर रशिया यूक्रेन वॉर में बिजी हो गया था। लेकिन अब चीजें काफी बेहतर होते दिखाई दे रही हैं क्योंकि इस जॉइंट वेंचर के तहत भारत में मैन्युफैक्चर्ड 27,000 AK-203 राइफल्स इंडियन आर्मी को डिलीवर कर दी गई हैं, जबकि अगले 2 हफ्तों में 8,000 और भी राइफल्स इंडियन आर्मी को ट्रांसफर कर दी जाएंगी। अभी के समय AK-203 राइफल्स में इंडिजीनियस कंटेंट 25% है, यानी 25% कंपोनेंट्स और रॉ मटेरियल इंडिया से लिया जा रहा है जबकि 75% रशिया से। आज की 8th अपडेट आ रही है भारत के आइलैंड्स को लेकर, यानी हमारे तट के पास जो भी छोटे छोटे टापू हैं उनको लेकर। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जी की एक स्टेटमेंट सामने आ रही है जिसमें उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान देश को जानकारी दी है कि उनके आने से पहले, यानी कि उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी सरकार ने सर्वे नहीं करवाया था कि भारत के जुरिस्डिक्शन में टोटल कितने आइलैंड्स आते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद एक सैटेलाइट सर्वे करवाया जिसमें पता चला कि भारत के पास टोटल 1300 आइलैंड्स हैं, जिनमें से कुछ तो सिंगापुर जितने भी बड़े बड़े हैं। उन्होंने कहा कि अब हमारी सरकार इन सभी आइलैंड्स को टूरिज्म के लिए डेवलप करने का काम कर रही है और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया में आइलैंड टूरिज्म काफी बढ़ा है। मालदीव्स, मॉरिशियस, मलेशिया, ग्रीस, इटली, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सारे देश अपने अपने आइलैंड्स के ऊपर टूरिज्म को प्रमोट करके कई बिलियन डॉलर्स की कमाई कर रहे हैं। इनकी जीडीपी में आइलैंड टूरिज्म का एक बहुत ही बड़ा योगदान है। इससे ना सिर्फ वहाँ पर जॉब क्रिएट होती है बल्कि लोकल्स का भी काफी फायदा हो रहा है। और यहाँ पर हमारी सरकारों को पता भी नहीं था कि भारत के जुरिस्डिक्शन में टोटल कितने आइलैंड्स थे। अब जाकर इन सब आइलैंड्स की डेवलपमेंट के ऊपर कहीं काम स्टार्ट हुआ है, ऐसे में इन सबको इंटरनेशनल लेवल की टूरिस्टिक डेस्टिनेशन बनाने में 20 से 25 साल और लग जाएंगे। आज की 9th अपडेट आ रही है गुजरात से। दरअसल पिछले कल गुजरात पुलिस की एंटी टेरर स्क्वाड ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से ISIS के आतंकवादियों को अरेस्ट कर लिया है। ये टोटल 4 आतंकवादी थे और ये सारे श्रीलंकन नेशनल्स हैं, यानी कि श्रीलंका के नागरिक हैं। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि ये चारों पाकिस्तान बेस्ड अबू नाम के एक IS हैंडलर से कनेक्टेड थे जो कि श्रीलंका से पाकिस्तान में जाकर वहां पर सेटल हो गया है। इन चारों के पास से ISIS का एक झंडा भी मिला है, साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं और इनकी बताई लोकेशन से भारत में ही 3 फुली आर्म्ड पिस्टल्स भी बरामद हुई हैं। इनके नाम बताए जा रहे हैं मोहम्मद नुसरत, मोहम्मद फारिस, मोहम्मद नफरान और मोहम्मद राजदीन। पाकिस्तान बेस्ड IS हैंडलर ने इनको भारत में सुसाइड अटैक करने के लिए भेजा था। ये चारों 19 मई को श्रीलंका के कोलंबो एयरपोर्ट से चेन्नई एयरपोर्ट आए थे
और फिर वहां से पिछले कल ये अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां पर गुजरात एटीएस की टीम ने इनको अरेस्ट कर लिया। एंड आपको पता है कि आज और कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल के दो क्वालिफायर मैचेस खेले जाने हैं, जहां पर 1 लाख से भी ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी है। उसके मद्देनजर ये बहुत ही बड़ा सुसाइड अटैक हो सकता था। गुजरात एटीएस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन चारों श्रीलंकन नेशनल्स के भारत में क्या क्या लिंक्स हैं। आज की 10th अपडेट आ रही है कश्मीर से। दरअसल पिछले कल कश्मीर के बारामूला लोकसभा सीट के ऊपर वहां पर वोटिंग हुई थी। पिछले 4-5 लोकसभा इलेक्शंस में इस सीट के ऊपर हमेशा ही अराउंड 35-40% तक की वोटिंग होती थी, लेकिन पिछले कल यहां पर रिकॉर्ड 59% वोटिंग हुई है, जो दिखाता है कि आर्टिकल 370 तोड़ने के बाद भी कश्मीर के लोगों का भारत की सरकार के ऊपर भरोसा पहले से ज्यादा बढ़ा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।